हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू किड्स वर्ल्ड। आज हम देखने वाले, ये बहुत ही स्पेशल है। ये सिर्फ बेबी के लिए नहीं है, मम्मी और डैडीज के लिए भी है, उनके सिबलिंग्स के लिए भी है। इसमें मैंने बहुत डिफरेंट पोजेस दिखाए, बिफोर पेरेंटिंग, आफ्टर पेरेंटिंग, सिबलिंग के साथ कैसे फ़ोटो खिंचवानी चाहिए, बहुत डिफरेंट पोजेस है और असम थीम्स है। आप जरूर ये वीडियो अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, ये पार्ट 3 है। आपको और भी बच्चों के थीम्स देखने हैं फोटोशूट के, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलो तो दोस्तों, सबसे पहले थीम है बिफोर पेरेंटिंग थीम, यानी मैटरनिटी फोटोशूट। उसके डिफरेंट आइडियाज है, वो देखेंगे। सबसे पहली फोटोशूट आइडिया बेबी शावर के साथ स्टार्ट करते हैं। ये बेबी शावर का फोटोशूट है। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। मैंने बहुत ही डिफरेंट पोजेस बताए हैं, सिंपल आप खुद के कैमरे से भी खिंचवा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आप जब इस आइडिया में मैचिंग फैमिली टी शर्ट पहनोगे, पूरा फैमिली सेट, तो ये एक यूनिक आइडिया बन सकती है। इसमें बहुत ही सुंदर फोटोग्राफीज की है। आप आउटडोर फोटोशूट करेंगे तो वो एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आ जाएगा। और दूसरी एक बात दोस्तों, अगर आप शूज के, इसमें मैंने शूज यूज करके बहुत पोजेस बताई है, डिफरेंट पोजेस बताई, बहुत ही असम फोटोशूट है। आप ये खुद के कैमरा से कर सकते हो, ये बहुत ही अफोर्डेबल है सब, और आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल एक मेमोरी बन सकती है। तो इसीलिए हर एक मम्मी डैडीज का सपना होता है कि एक बार ये फोटोशूट होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आपकी खुशी में एक प्यार बढ़ाने के लिए कुछ सिंपल पोजेस मैंने आपको कलेक्ट करके बताने का ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बिफोर पेरेंटिंग देखे थे, अब आफ्टर पेरेंटिंग फोटोशूट, यानी बेबी के साथ, न्यूबॉर्न बेबीज के साथ कैसे फोटोशूट करना चाहिए, या कॉमन बेबी के साथ कैसे फोटोशूट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। ये जो मैंने डिफरेंट पोजेस बताई है, ये बहुत ही अफोर्डेबल आप सिर्फ कैमरा से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको बाहर आउटडोर किधर भी ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफी थीम यूनिक और मेमोरेबल बनाने के लिए ओनली डिफरेंट पोजेस चाहिए होते हैं और किसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बताई है, आप इस एंगल से बच्चों के और आपके हाथ में हाथ लेके, बहुत सारे ऐसे पोजेस है जो मैंने स्पेशली आपके लिए कलेक्ट किए हैं, तो आप उससे बहुत ही बढ़िया फोटोशूट निकाल आपके लिए मेमोरेबल भी होगा कर सकते हो। आप देख ही रहे होंगे कितने क्यूट इनोसेंट बच्चों के फोटोशूट यहाँ पे किए हैं मैंने कलेक्ट करके, सब फोटोग्राफीज आपके लिए बनाई है। आप उस टाइप के फोटोशूट निकाल सकते हो और आपके लिए एक मेमोरी हो सकती है वो। ये फोटो में आप देख सकते हो कि छोटा बच्चा कैसे अपने डैडी की कॉपी कर रहा है। बच्चों को 2 महीने से थोड़ा दिखाई देता है, विजुअल डेवलपमेंट उनकी अच्छी होती है, तो अपने माता पिता की कॉपी करने लगते हैं। हम जो किया वो वैसे करके दिखाते हैं, और कभी कभी आप उनकी कॉपी करके उस टाइप का फोटो निकालेंगे तो वो भी एक यूनिक आइडिया होती है, यूनिक फोटोशूट आता है। आप ये सब फोटोशूट देख रहे होंगे तो इसमें बहुत ही असम मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर फोटोशूट निकाला है। बेबी के साथ पेरेंट्स की आउटडोर और इंडोर दोनों तरफ भी फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है पोजेस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बच्चों के उनके सिबलिंग के साथ फोटोशूट के आइडियाज। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना कि अगर बच्चों के ड्रेस पैटर्न या कुछ भी यूनिक होना चाहिए, उनके डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए। इस फोटो में देख सकते हो उनकी कैप यूनिक है, ड्रेसअप यूनिक है, तो इससे यूनिक फोटो बन जाती है। इनके डायपर यूनिक है, इधर कैप्स उन एक जैसे है, तो फोटोशूट में एक अच्छा यूनिकनेस आ जाता है आपके लिए, वो एक मेमोरेबल पिक्चर्स बन सकती है। इस फोटो में देख सकते हो लिटल ब्रदर और बिग ब्रदर ऐसे टी शर्ट्स भी मिलते हैं। ये रैबिट की थीम इन्होंने बनाई है, दो बेबी के पूरे कम्प्लीटली ड्रेसअप इक्वल है, सुंदर है, ये ट्विंस है। तो इस टाइप के आप सिबलिंग के साथ बेबीज के फोटोशूट कर सकते हो। इस पिक में उनकी पैंट सिमिलर है और यहाँ पे बेबीज के टी शर्ट सिमिलर है। ये सिबलिंग का फोटोशूट है, इसके लिए डिफरेंट पोजेस बताए, इंडोर आउटडोर कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पोजेस आते हैं। और रैंडम क्लिक कीजिए, बच्चों के क्या कर रहे हैं, कैसे ये बिहेव कर रहे उसकी तरफ मत ध्यान दीजिए। उनके फोटोशूट करेंगे तो बहुत ही उनके इनोसेंट और कैंडिड पिक आ जाएंगे, वो भी एक यूनिक फोटोग्राफी थीम बन सकती है।
तो मम्मीज एंड डैडीज, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइए। ये स्पेशली वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, उसके फ़ोटोशूट के कलेक्शन किए हैं, आपके लिए एक मेमोरी बन सकती है। ये सिंपल अफोर्डेबल फ़ोटोशूट है जो आप घर के कैमरा से ही कर सकते हो, इसके लिए आपको बाहर जब बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।